शिवपुरी जिले के कई पोहरी विधानसभा के कई गांव में गर्मी के मौसम में जल संकट गहरा गया है। इसी क्रम में पोहरी विधानसभा क्षेत्र के सूण गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों से निकलकर खाली बर्तन हाथ में लेकर जल संकट से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की टंकी बना दी गई है, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी घरों तक पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इसके अतिरिक्त पानी के जो भी विकल्प बचे थे उनमें भी पानी सूख चुका है, कई हैंडपंप बंद पड़े हैं। वहीं इस मामले पर विधायक कैलाश कुशवाहा का कहना है कि ग्रामीणों को जल्द संकट से निजात दिलाए जाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे हमें पानी की विशेष परेशानी है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो बोर मान लो 2 साल बीत गए, इनमें मान लो मोटर की या लाइट की कोई व्यवस्था हो जाती तो पूरे ग्राम वासियों को पानी मिल जाता पीने को। हमारे जो गुजारा था सरकार से कि जे 2 बोरन में मॉडल अच्छी मोटर गिर जाए और ट्रांसफार्मर रख जाए। पोहरी विधानसभा में सूर के अलावा कई गांव हैं जो पानी की दिक्कत आ रही है। अभी हमारा विधानसभा जलीय पंचायत का नया गांव नंदपुर में भी दिक्कत आई। उन्होंने बेचारे ने वोट का बहिष्कार भी कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया और उनसे वादा किया है 2-3 दिन पानी व्यवस्था करके ना चलो, इसलिए उन्होंने वोट डाले। मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किए, फोन पर चर्चा की कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी उन्होंने लगभग 20 ट्यूबवेलों की परमिशन दी थी, लेकिन वो 90 मीटर की दी। मैंने 250 मीटर का निवेदन करके परमिशन मांगी और दिल्ली जाने वाली है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी सरकारी PHE की टीम से कलेक्टर साहब से कि जल्दी पानी की व्यवस्था करें।